नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कोरोना पर पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आपको बता दें, कोरोना के हालात पर पीएम मोदी की बैठक और मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। वर्चुअली जुड़े इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुट गए हैं। कोरोना के ताजा हालात पर बैठक में चर्चा हो रही है, तो रिव्यू मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिव्यू मीटिंग कोरोना को लेकर, तो कोरोना के हालात की समीक्षा को लेकर ये बैठक चल रही है। अंकुश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अंकुश, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके हर एक राज्य के कोविड संक्रमण की स्थिति का समीक्षा कर रहे हैं और उसी समीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री निवास के जो आला अफसर हैं वो भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जो जानकारी है वो दी जा रही है और इसके अलावा वर्तमान में जो संक्रमण की जो दर है उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर जो प्रदेश सरकार की तैयारियां हैं, अब तक कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कितना वैक्सीनेशन होना बाकी है, कितने वैक्सीन की आवश्यकता है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हर एक जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा कर रहे हैं। अंकुश, देखिए, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम बूस्टर डोज की बात करें, कहा जा रहा है, आशंका ये जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद ये भी फैसला सामने आ सकता है कि बूस्टर डोज को मुफ्त कर दिया जाएगा, ये प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा। देखिए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन देश में शुरू हुआ था और वैक्सीनेशन की शुरुआती दौर में कई तरह की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। पहले कहा गया कि राज्य अपने खर्चे पर वैक्सीन लगवाएंगे, उसके बाद कई तरह की स्थिति यहां पर पैदा हो रही थी। फिर कहा गया कि वैक्सीनेशन की जो आपूर्ति है वो उसमें बाधाएं आ रही हैं, लेकिन इसके बाद देश की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हर राज्य के हर एक नागरिक को, देश के सभी एक नागरिक को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद आपूर्ति की गई और पहला और दूसरा डोज लगा। अब बात है बूस्टर डोज की, और बूस्टर डोज जो है अभी निःशुल्क नहीं है। ऐसे में जो लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं उन्हें सशुल्क बूस्टर डोज लगवाना पड़ रहा है। और आज कई राज्यों की तरफ से अगर ये डिमांड उठती है कि बूस्टर डोज को भी मुफ्त किया जाए या इस तरीके का कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन लें और आने वाले समय में शायद इस बात की घोषणा भी हो सकती है कि देश के नागरिकों को बूस्टर डोज जो है वो भी निःशुल्क लगाया जा सकता है। फिलहाल इस बैठक के बाद जब प्रस्ताव रखा जाएगा तो डिसीजन क्या होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में 15 पॉजिटिव के सामने आए हैं और जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 83 हो गई है, तो वहीं रिकवरी रेट 98.96% है। और इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने की। देश में लगातार देखने को मिल रहा है कि जो कोविड के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश की, क्या पिछले 24 घंटे में 15 पॉजिटिव केस आए हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा की। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अब 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन की सौगात दी है। मध्य प्रदेश सरकार हर तरह से तैयार है और हम जो भी केंद्र सरकार का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में संक्रमण ना फैले। सर, वैक्सीनेशन की जैसे कि आपने बात कही, अब जो छोटे बच्चे हैं बगैर उनसे शुरुआत होने वाली, 5 साल से जो बच्चे हैं 12 साल तक के, उन्हें अब लगाया जाएगा, किस तरह की तैयारी रहने वाली? हमारी पूरी तरह तैयारी, हमारी कोल्ड चेन ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमारे वैक्सीनेशन के जो सेशंस हैं वो ऑलरेडी निर्धारित हैं, वैक्सीनेटर हमारे ट्रेंड हैं, तैयार हैं, जो निर्देश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर तैयारी हो गई, ऑक्सीजन प्लांट हो या बेड हो? हमने कहा ना, हमारी चिकित्सीय व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं, हमारे सभी जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ये कहना है, उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी है और किसी प्रकार की परेशानी मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर नहीं आ पाएगी। वीडियोलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही इस बैठक में शामिल होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड 19 की स्थिति बेहतर है, फिर भी सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सीएम लगातार कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग सतर्क हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली थी, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी आज देश के माननीय मुख्यमंत्रियों जी से भी बातचीत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और सावधानी सब लोगों को बरतना। मास्क अनिवार्य कर दिया गया और जो प्रोटोकॉल है उसका सभी पालन करेंगे। निश्चित रूप से सावधानी सभी को बरतना चाहिए, सब लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए जो लोग पात्र हैं और सावधानी में ही सुरक्षा। एमपी में कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। लोगों की लापरवाही और कोरोना संबंधी हटाई गई सारी पाबंदियों का असर भी दिखाई देने लगा है। इसके बाद अब अप्रैल के महीने में केस बढ़ते दिखाई देने लगे हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन फिर से मुस्तैद हो चुका है। आने वाले दिनों में स्थिति ना बिगड़े इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को कोरोना की स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की बात कही थी। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर नजर बनाए हुए है, जिससे देश के किसी भी कोने में हालात खराब ना हो। वहीं मध्य प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 75 है, जिसमें इंदौर में 29 केस, भोपाल में 10, ग्वालियर में 8 केस है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना जांच की बात करें तो बीते 26 अप्रैल को प्रदेश में 5,633 मरीजों की जांच हुई, जिसमें से कुल 13 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही 36 सैंपल को रिजेक्ट किया गया। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 0.2% रहा। तो कोरोना पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक कर रहे हैं, सीधा आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत कुछ सीखा भी है, सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई, इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है, ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में
बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था, अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें यह जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, उनका 100% आरटीपीसीआर टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है, साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे
और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है, उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है। लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं, उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,500 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं,
आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना, अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर, आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है, कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है, हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते, अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मैं एक और उदाहरण देता हूं, अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपये के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है, और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया, अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। साथियों, एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं, देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं, जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है। हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी, बहुत मुश्किल समय था वो, अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें, ऐसी घटनाओं से हम बच सके, ऐसी घटनाएं कम से कम हो, हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो, जान माल की हानि ना हो, इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को
विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए ताकि देश में कहीं हादसा न हो, हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं। कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।